दीपावली का त्यौहार आते ही खाद्य व औषधि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मिठाई व खोए की दुकान पर छापेमारी करने में जुट गए हैं। विभाग की छापेमारी की सूचना पर खोए की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई। मिलावटखोर खोआ की दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। आपको बता दें कि त्यौहार के मद्देनजर मिठाई की खपत बढ़ जाती है, इसी कारण मिलावटखोर और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और घटिया सामग्री के मिलावट से बनी हुई मिठाइयां बाजार से खरीद कर खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसे लेकर विभाग के लोग अभियान चलाकर खाद्य सामग्रियों का सैंपल लिया करते हैं। इसी क्रम में दीनदयाल नगर मुगलसराय के खोआ मंडी में खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने खोए की दुकानों पर छापेमारी की। ज्यादातर दुकानें बंद होने के कारण कुछ दुकानों का ही सैंपल इकट्ठा हो पाया। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था शुरू से ही आप व्यवस्था देते तो हो सकता है कि आज आपको ये नौबत भी ना आती। साल में एक बार अभियान चलता है दीपावली में, यहाँ पे खोआ व्यवसायी भी खड़े होकर उनसे भी पूछेंगे तो आप साल में एक बार आते हैं। बच्चा मोछू तो पूरा जिला संभाल लेते हैं कहीं से। हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता है। ये इस मार्केट की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ गलियां ही गलियां हैं। एक दुकान पे हम पहुँचते हैं, पता चलता है सारा मार्केट बंद है।